बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से समाजवादी छात्र सभा का प्रदर्शन देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक, एलयू गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन जारी है। समाजवादी छात्र सभा का प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो रही है। दिग्विजय सिंह देव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस फोर्स की तैनाती। हम लोग बस ये कहने आए कि सांप्रदायिक विलोप को हटाइए, वापस लीजिए, नहीं तो ये छात्र आंदोलन अब थमने वाले नहीं है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि तमाम छात्र छात्राएं यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लगातार पुलिस इस बात का प्रयास कर रही है कि आंदोलन न होने पाए। नदवा सहित तमाम कॉलेजों में छुट्टी के लिए भी कह दिया गया है और जो कॉलेजेस प्रशासन है उनके साथ मिलकर इस बात की बात हुई है कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी छुट्टियां कर दी जाए। हॉस्टल्स भी खाली कराए जा चुके हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो हो रहे हैं और इसी का एक मुजाहरा एक तरह से जाए तो वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट पे देखने को मिल रहा है। कैमरामैन जितेंद्र वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो समाजवादी छात्र सभा का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। एलयू के गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन जारी है। समाजवादी छात्र सभा के लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए, वहां पर देखिए पुलिस की तैनाती कितनी संख्या में। पुलिस फोर्स और छात्रों के बीच में झड़प हो रही है। वहां पर दिग्विजय सिंह देव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। पुलिस वहां से छात्रों को हटाने में जुटी हुई है। लगातार पुलिस इन छात्रों को वहां से हटाने के लिए कोशिश करती हुई बसों में छात्रों को भरती हुई पुलिस नजर आ रही है ताकि ये प्रदर्शन और ना हो पाए। इसी को देखते हुए पुलिस वहां पर छात्रों को समझाने बुझाने हटाने में जुटी हुई है। सीमाब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीमाब, एलयू के गेट नंबर 1 पे ये प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं, वहां की तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह से पुलिस इन छात्रों को वहां से हटा रही है, कैसे समझाने की कोशिश हो रही है। देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से यहां पर प्रदर्शन चल रहा है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि पीछे की अभी भी जो है वो गिरफ्तारी चल रही है। बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है और यहां पर इन छात्राओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, पीछे हमारे गिरफ्तारी चल रही है लगातार और अब यहां पे गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। छात्रों को अलग बस से लेके जाया गया है। कुछ छात्राएं बैठी हुई थी, उन लोगों को जो है वो अब इस वैन से, ये जो गाड़ी है पुलिस की, इसमें से भर के ले जाया जा रहा है। काफी देर तक, एक घंटे तक हंगामा होने के बावजूद अब इन लोगों की गिरफ्तारी हो सकी है और पुलिस छात्राओं को भर कर ले जा रही है। दरअसल जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था तो यहाँ पर जो पुलिस सिपाही थे वो मौजूद थे और पुलिस के जो जवान थे वो मौजूद थे, लेकिन महिला सिपाही मौजूद नहीं थी। इसके चलते गिरफ्तारी में थोड़ा सा विलंब हुआ। जो छात्र थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी हुई है सीमा को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कितनी संख्या में गिरफ्तारी छात्र छात्राओं की? देखिए बहुत बड़ी संख्या में तो गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। छात्राएं तो मात्र 4-5 थी और इसके अलावा जो छात्र थे वो 15-20 की संख्या में थे। सभी को गिरफ्तार करके अब ले जाया गया है यहाँ से। और बने रहिए हमारे पास, हमारे साथ वापस आएंगे आपके पास।